नमस्कार, स्वागत है आपका एक मेरे नए ब्लॉग में इन खूबसूरत पहाड़ों से। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा हम धारी देवी मंदिर तक पहुँचे थे और वहाँ के अच्छे दर्शन किए थे। उसके बाद हम सीधा निकल पड़े केदारनाथ की तरफ और हमने रुद्रप्रयाग बाईपास लिया, जहाँ पे हमें अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम मिला। मौसम आप देख सकते हैं, खिली हुई धूप थी और सामने केदार घाटी की तरफ काफ़ी बादल लगे हुए थे। रास्ता एकदम साफ था और ट्रैफिक भी नहीं था, अच्छा लग रहा था। देखिए सामने जो गाड़ी आप देख रहे हैं ना फूलों की, ये देहरादून से हमारे साथ चली हुई थी और हर रास्ते में कहीं ये आगे कभी हम पीछे, बस ये लगा हुआ था। तिलवाड़ा बाजार पहुंच गए, सामने में मौसम खराब हो रहा था बहुत ज्यादा है ना। मौसम खराब हो गया एकदम, पीछे धूप और एकदम से ओले पड़ने लग गए। धूप थी भाई, आवाज सुन रहे होंगे आप लोग, धूप थी, धुंध थी। मंदिर, कौन सा मंदिर है अगस्त मुनि? अच्छा नीचे वो है, वहां पर अगस्त मुनि का बाजार। कितने साल हो गए होंगे हमको? 11 कैसे हो गए वे? 11 नहीं, 2007 से लगा ले, कितने हो गए? 7 में आए थे, 7 17 10 और 5 15 साल बाद आ रहे हम लोग हैं अगस्त मुनि वापस। बाइक खत्म हो गया लेकिन उतने का उतने ही है बाजार अभी तक, दुकानें ऊपर बढ़ गई। यहाँ हमें वो ही नहीं मिला, कमरा ही नहीं मिला, कमरा नहीं मिला तो हम तो और आगे रुके थे। अभी से आगे हम इतने दूर रुके थे, भंडारी गांव बोलते हैं उस तरफ, वहाँ भंडारी लोग रहे है ना, और आए पैदल भूत की कहानी सुनते सुनते। सब खिजानी होली, खिजानी होली ओ माँ, ओ ठंडी धार पानी की छलार माँ।
फाइनली हम पहुंचे कुंड में, जहां पर मंदाकिनी नदी पे डैम बना था, और यहां पे कम से कम हमें 40 से 60 मिनट रुकना पड़ा, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, क्योंकि रोड इसके बाद बहुत ज़्यादा पतली थी, और ऊपर से आने वाला ट्रैफिक और नीचे से जाने वाला ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि गाड़ियां बस फंस चुकी थी, और 2 घंटे दिखा रहा था, रिंग रिंग के चल रही थी। कम से कम 40 से 60 मिनट रुकने के बाद तब कहीं जाके रास्ता खुला, और मौसम भी धीरे धीरे ख़राब हो चुका था। इसके बाद हमें सीधा गुप्तकाशी रुकना था। कैसे देंगे? बैठे थे हम लोग, इंतज़ार में थे कि रास्ता खुले और हम आगे बढ़े। 5:30 बजे गुप्तकाशी पहुंच गए। होटल देखो यार, यहाँ ऐसा लग रहा पौड़ी आ गए। काशी का मार्केट शाम के 7:45 बजे हैं और हम सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, इस चक्कर में वहाँ के गौरीकुंड नहीं जा पा रहे, तो हमने यहीं पे होटल ले लिया है। हमने होटल लिया है, हमारे एक बहुत बड़े यूट्यूबर है रुद्रप्रयाग के, तिवारी, प्रियंका तिवारी दीदी, उनका होटल लिया है हमने, उनसे बातचीत हो गई थी। ये वाला है, अभी होटल भी दिखाऊंगा आपको।